नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजन सर के साइंस सूत्र। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं। ये मेरा दावा है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और ये जो आज हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक्टिविटी है। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है पोटाशियम परमैंगनेट के रिगार्डिंग। अब दोस्तों मेरे पास पोटाशियम परमैंगनेट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी को भी ऑक्सीजन देके उसको जलाने की समर्था रखता है, या फिर उसको क्रोड कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। इसका फार्मूला होता है KMnO4। और ये साइंस की लैब में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है केमिकल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल लाइन में भी यूज़ होता है। जब हमारे मुंह में कई दफ़ा छाले हो जाते हैं तो उन छालों को ठीक करने के लिए डॉक्टर हमें एक पुड़िया में ये पोटाशियम परमैंगनेट डाल के देता है। हम इसको जब पानी में डालते हैं तो लाल रंग की एक दवा बन जाती है, उसको लाल दवा भी बोलते हैं, लाल दवाई भी बोलते हैं गाँव में। जब हम उसकी कुरली करते हैं मुंह में डाल के, तो ये एज ए एंटीसेप्टिक भी काम करता है। मतलब ये बहुत काम की चीज़ है, ये एंटीसेप्टिक भी है और ये ऑक्सीडेंट भी है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने बेटे मानव को, ये मुझे एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प करेगा। मानव बेटे, सबसे पहले आप इस बाउल में पानी डाल दीजिए। तो मानव इसमें पानी डाल रहा है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं। इसमें पर्पल कलर के क्रिस्टल हैं, आप देख सकते हो बड़े क्लियर कट। जब इसका एक आध क्रिस्टल भी हम पानी में डाल देते हैं, यहाँ आप नीचे देखिए, पानी में डालते ही बहुत ही ब्यूटीफुल कलर इसमें आते हैं। ये देखिए, ऐसे ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल मटेरियल है, पानी में इजीली घुल जाता है और घुल के लाल रंग के, डार्क पिंक या लाल रंग की दवा के रूप में ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब ये अच्छी तरह से घुल जाएगा तो हम अपने मुंह में इसको रख के कुरलियाँ करेंगे, एंटीसेप्टिक का काम करेगा, बैक्टीरिया को मारता है। तो ये एक तो थी ये वाली चीज़ पोटाशियम परमैंगनेट की। अब जो मेन एक्टिविटी है आज की वो ये है कि हम इसका रिएक्शन करवाएंगे गन्ने के रस से। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों का सीज़न है, आप सभी ने गन्ने का रस बहुत खूब, सभी को पसंद आता है, गन्ने का जूस हमें मीठा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है, ये गन्ने के रस को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको जला देता है। तो आइए करते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये जो कैटल है इसमें हमने ताज़ा गन्ने का रस डाला है। तो सबसे पहले हम ये ताज़ा गन्ने का रस ये कांच के एक बीकर में हम इसको डाल देंगे। ये मैं इस बीकर में गन्ने का रस डाल रहा हूँ। मेरा दावा है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पूरे इंटरनेट को छान मारो, पोटाशियम परमैंगनेट के आपको ग्लिसरीन के साथ रिएक्शन मिल जाएंगे, शुगर के साथ रिएक्शन मिल जाएंगे, लेकिन गन्ने के रस के साथ आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो इस बीकर में हमने गन्ने का रस डाला है, तो आइए देखते हैं कि अगर हम इसमें पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं तो गन्ने के रस का क्या हाल होता है। तो मानव, एक्टिविटी करने से पहले बेटे ये सारे बर्तन वगैरह यहाँ से उठा दीजिए। मैं इस बीकर को सेंटर में कर लेता हूँ। अभी मैं गन्ने के रस में पोटाशियम परमैंगनेट डालना शुरू करता हूँ धीरे धीरे से। आप नीचे देख सकते हैं ये घुलना शुरू हो गया है और कलर चेंज होना शुरू हो गया है। दोस्तों देखिए, रिएक्शन शुरू हो चुका है, बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसने गन्ने के रस को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दिया। इस रिएक्शन को और फास्ट करते हैं, और KMnO4 डाला। अरे वाह मान, अरे वाह, ओह माय गॉड,
बात है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा क्विक रिएक्शन था। देखिए एकदम से जैसे लावा फूटता है ज्वालामुखी से, ऐसा रिएक्शन हुआ। देखिए क्या हाल हुआ गन्ने के रस का। तो इतना स्ट्रॉन्ग ये केमिकल है पोटाशियम परमैंगनेट, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ये दवाई का काम करेगा। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। तो दोस्तों ऐसे ही और ज़बरदस्त और ज्ञानवर्धक एक्सपेरिमेंट देखने के लिए, अपने एग्ज़ाम में अपनी स्कोरिंग बढ़ाने के लिए, अपना साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए, हमारी जो यूट्यूब चैनल है राजन सर के साइंस सूत्र, उस पर आप और वीडियोस भी देख सकते हैं। और कृपया करके हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।